आपने 2 दिन क्यों मांगे, मना क्यों नहीं कर दिया? मेहर हमारी बेटी है। क्यों बेकार में रोए जा रहे हो? आखिर को उसकी शादी भी तो करनी थी ना। ऐसे थोड़ी रुखसत करनी थी सारे को खत्म करके। वैसे कौन सी बड़ी बात हो गई है, एक बाप के घर से दूसरे बाप के घर जा रही है बस। मेरी आंखें तो तरसेंगी ना उसे देखने के लिए। हर कमरे में ढूंढूंगी, मेरे कान मामा सुनने को तरस जाएंगे। आप दोनों को किसने कहा कि मैं कहीं जा रही हूँ? मैं कहीं भी नहीं जा रही, यहीं पर रहूंगी हमेशा आप दोनों के पास हमेशा। भाई लेने आएगा तो खाली हाथ लौटाओगी उसे? लौटा दूंगी, वहां पर मेरे पास सब कुछ होगा, लेकिन आप दोनों तो नहीं होंगे। आसान नहीं है मेरे लिए ये काम करना, तुम सोच के ही मेरी जान निकल जाती है, मगर तुम्हें वहां जाना तो पड़ेगा ना। देखो दरवाजे को तुमने इतनी मुश्किल से खोला है, वहां रहने का हक है तुम्हारा। वैसे भी तुम वकार अहमद से सच नहीं जानना चाहोगी? मुझे याद करके रोएंगे नहीं। ये तो वादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बीमार पड़े तो हम एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। और आंसू पोंछोगी ना तुम मेरी? मैं इसका आंसू पोंछ दूंगा, है ना रबिया? लेकिन बेटा तुम वादा को हर रोज हमें फोन करोगे, हर वीकेंड पे हमारे पास आओगे रहने पूरे 2 दिन के लिए। ऐसे ही करूंगी।